हेलो फ्रेंड्स, आज ये जानेंगे कि डबल बेड में हाइड्रोलिक फिटिंग कैसे होता है, कौन सी साइज का लेना चाहिए, कितने किलो का लेना चाहिए। जैसे अभी सामने देख रहे हो, ये पलंग का साइज 6.5 x 6 का है, तो इसमें हाइड्रोलिक की जो फ्रेम लिया है वो 5 फुट का है। 5 फुट का इसके लिए लिया हो कि कभी भी बेंड होने का टॉप का चांस नहीं रहता है और खुलने और बंद होने में बहुत ईजी रहता है, और ऐसे वाइब्रेशन से हिलता भी नहीं है लंबी लंबी फ्रेम लेने से। अभी 200 इसमें जैसे गादी 4 इंच 6 इंच का, तो 200 किलो के हिसाब से रखते हैं तो अपना इजी रहता है, अच्छा रहता है, लाइफ टाइम के लिए कोई तकलीफ नहीं रहती है। जैसे अभी ऐसे तो उड़ जाता है कम केजी में, लेकिन गादी लगने के बाद में 4-6 महीने बाद में वो वापस ऑटोमेटिकली झुक जाता है। जैसे हमने ये फिटिंग किया हुआ है हाइड्रोलिक का फ्रेम, तो पीछे से पीछे की धारी से जो एंगल का माप है वो 5.5 इंच रखा हुआ है, और जो जो नीचे की जो एंगल है वो एक दूसरा एंगल रख के आपको दिखा देते हैं। अभी जैसे ये एंगल है, ऐसे फिट करके ऊपर से जो अपना वो जो डबल बेड का जो टॉप आता है ऊपर, इसके प्लस टू प्लस आ जाए उस तरीके से वो एंगल फिट हो जाती है ऐसे रख के, और पीछे से 5.5 इंच छोड़ के फिट हो जाता है, और फिर ऊपर टॉप रख के यानी मार्किंग कर लिया जाता है। अभी जैसे आपको बंद करके और खोल करके दिखाते हैं, इसको बंद करो तो ऐसे गादी लगने के बाद में जो हेवी हो जाएगा तो आराम से फिटिंग हो जाएगा, और अभी खोल के देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हाफ आने के बाद में ऑटोमेटिकली वो ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। सो थैंक यू गाइस।